हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित वैद्य और आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी तीन हैबिट्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप खुद को एक साल बाद खुद से इम्प्रूव पाएंगे, प्लस आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है तीन हैबिट्स। सुबह जल्दी उठना, 4:30 से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के वैसे तो काफ़ी सारे फायदे होते हैं, बट आप किसी भी फायदे के लिए नहीं, आप अपने लिए उठिए। आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सुबह सुबह हमारे आसपास की लाइट और उनकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा शांत होती है। इस शांति में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। आई नो ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, बट खुद को ढूंढना बहुत ज़रूरी है आज के इस बिजी लाइफ में। और कैसे आपको खुद को ढूंढना है, मैं आने वाली इस सेकेंड पॉइंट में आपको बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट, मेडिटेशन एंड फोकस। कुछ ही देर पहले मैंने आपको खुद को ढूंढने वाली बात कही थी, राइट? मॉर्निंग में आप जब भी जल्दी उठते हैं, 5 से 10 मिनट आप खुद को अच्छे से फ्रेश कर लीजिए, देन उसके बाद आप कीजिए मेडिटेशन। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन आपको काफ़ी घंटों तक करनी है, नहीं, केवल आप 5 से 10 मिनट भी करेंगे तो भी वो आपके इनर पीस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी के लिए होती है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता तो है, बट साथ ही साथ हमारे इनर पीस को डेवलप करने में मदद करता है। तो आप घंटों तक नहीं, केवल 10 से 15 मिनट तक डेली मेडिटेशन कीजिए, खुद की ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए, शांत बैठिए और आपका इनर पीस और आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई मेडिटेशन की बात, अब फोकस के लिए क्या करेंगे। सुबह उठ के आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है या एज अ पर्सन आपको इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक्स रीड कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी रिलेटेड ही बुक रीड करेंगे, आप सेल्फ हेल्प बुक रीड कर सकते हैं, आप नॉवल रीड कर सकते हैं। बुक रीड करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगा, इनडायरेक्टली ये आपकी स्टडी में भी मदद करेगा। आप जॉब पर्सन हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिनसे आपके करियर में आगे आपको ग्रोथ मिलेगी, जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड आइडियाज़, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है या आपको जॉब में कैसे और तरक्की पानी है, तो उस रिलेटेड चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो इससे आपको आपके करियर में आगे जाने के लिए और मदद मिलेगी। या फिर अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, जैसे कि अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है तो आप सुबह उठकर वर्कआउट या योगा कर सकते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मनी। जी, अब आप सोचेंगे कि ये तो दोनों पॉइंट से कहीं भी लिंक नहीं करता है, बट ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अगर आज आप अपने पैसे को बचाते हैं तो आने वाले वक्त में आपका पैसा आपको बचाएगा। मेरी सेविंग्स की वजह से मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है। अब सवाल आता है कि पैसे आप कैसे बचाएं। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी का 10%, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आती है तो उसमें से 1,000 रुपीज़ आप साइड कर लीजिए और उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको पॉकेट मनी दिन के 10 रुपये भी मिलती है तो वो दिन के 10 रुपये आप बचाइए, उससे महीने के 300 रुपये हो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप 300 रुपये में क्या इन्वेस्ट कर पाएंगे और क्या ही उसमें से गेन कर पाएंगे। मार्केट में 1-2 रुपये तक के भी शेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप अपना मनी अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले फ्यूचर आपका बेटर बन पाएगा। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं उसका आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के बाद फोकस करना उन चीज़ों पर जो आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है या आपको बेटर करेंगे, जैसे वर्कआउट, योगा, आपके बिजनेस आइडिया, करियर ग्रोथ के बारे में सोचना, बुक्स रीडिंग करना, नॉवेल्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना। मेडिटेशन होने के बाद ये आपका फोकस इम्प्रूव करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। एंड थर्ड, इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना, पैसे बचाना। अगर अभी से आप अपने पैसे बचाएंगे तो आने वाले वक्त में आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोहित वैद्य, चलिए बाय।